दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन पर आई बैंकिंग एप्लीकेशन का यूज करके अपने ICICI बैंकिंग को और भी इजी और आसान बना सकते हैं, ताकि आप जो है अपनी बैंकिंग को बस अपने स्मार्टफोन से जो है हैंडल कर सकें। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हमसफर टेक में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कमाल की वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप सभी दोस्तों को अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम डायरेक्टली चलते हैं अपने स्मार्टफोन पर, आपको बता देते हैं कैसे आपको ICICI बैंकिंग जो है एप्लीकेशन को यूज करना है। दोस्तों ICICI मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन पर आई मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप इसको डाउनलोड करोगे, पहली बार में ओपन करोगे, उसके बाद आपसे कुछ परमिशन मांगेगा गाइस, तो आपको इसको अलाउ करना है। और जितने टाइम ये आपसे परमिशन मांगता है, आपको सिंपली इसको अलाउ करना होता है। उसके बाद आपके सामने ICICI बैंक की आई मोबाइल एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाती है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का कुछ आपके सामने इंटरफेस नजर आता है, आपको इसको स्किप करना होता है। और इसके बाद आपके सामने यहां पर दिखाई देता है कि आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है। तो गाइज अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, तो इसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा कि कैसे आप ICICI बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट है तो आपको सबसे पहले यहां पर क्लिक करना है, आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यहां पर आपको दिख रहा है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहां पर एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने थोड़ा सा यहां पर लोडिंग लेगा पेज, और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से कार्ड टाइमिंग चलेगा, और उसके बाद ये आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा। और जो भी आपका मोबाइल नंबर है दोस्तों, वो आपके बैंक अकाउंट के साथ में लिंक होना चाहिए और साथ ही साथ में आपके मोबाइल फोन पर लगा होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहां पर ऑटोमेटिकली इसने हमारे मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लिया है। अब दोस्तों यहां पर पूछ रहा है कि आप अपना 4 नंबर का पिन बना लीजिए। 4 नंबर का एक पिन बनाना होता है और उसके बाद वही आपको पिन नंबर नीचे एंटर करना होता है दोबारा से। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिन नंबर आपको स्ट्रांग बनाना है, जैसे आपका ATM कार्ड का पिन होता है, ऐसे ही आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। और किसी को भी उस पिन नंबर को आपको शेयर नहीं करना है, अदरवाइज आपके अकाउंट से कोई भी आपका पैसा निकाल सकता है अगर किसी के हाथ में आपका फोन लग जाता है तो। चलिए दोस्तों हम यहां पर जो है पिन नंबर अपना फिल कर लेते हैं और आप यहां पर फिल कर लेंगे। पिन नंबर फिल करने के बाद दोस्तों आपके सामने देख पाएंगे हमने फिल कर लिया है, और उसके बाद आपके सामने इस तरीके से ग्रीन टिक आ जाएगा और उसके बाद आपको सिंपली सबमिट करना है। जैसे दोस्तों आप यहां पर सबमिट करते हैं, यहां पर दिखा रहा है कि आपको लोडिंग लेगा थोड़ा सा और यहां पर आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे, यहां पर आपके सामने दो ऑप्शंस नजर आते हैं, यानी कि अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप ATM कार्ड से इसको जो है ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, यानी कि वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप उसके थ्रू भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। फिलहाल हम जो है ATM की हेल्प ले लेते हैं और आपको यहां पर एज इट इज रहने देना है, आपको नीचे प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड पर क्लिक करते हो, आपके जो ATM का आपको निकालना है, ATM के पीछे आपको देखना है, कुछ आपके ATM के पीछे लिखा हुआ होगा, तो यहां पर जो भी मांगेगा आपसे वो आपको यहां पर फिल करना है। जैसे यहां पर C में देखिए कौन सा नंबर है, F में देखिए कौन सा नंबर है और M में कौन सा नंबर है, वो मुझे फिल करना होगा। और इस कंडीशन में हो सकता है आपके सामने यहां पर F और G या H अलग अलग यहां पर हो, तो आपको वही नंबर एंटर करना है जो आपको आपके ATM कार्ड के पीछे लिखे हुए होंगे। अब दोस्तों हमने ATM कार्ड के पीछे की डिटेल्स यहां पे फिल कर ली है नंबर वाइज, और अब हम इसको एक्टिवेट पर क्लिक कर लेंगे। और जैसे आप एक्टिवेट पर क्लिक करते हो, उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस नजर आता है। आप चाहे तो यहां पर जो है फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं, चाहे तो नो थैंक्स पर क्लिक कर देंगे। और जैसे आप क्लिक करते हैं, यहां पे थोड़ा सा पेज लोडिंग लेगा और यहां पर आप देख पाएंगे आपको यहां पर बस आपको क्लिक करना है डिस्प्ले के ऊपर। और आप जैसे यहां पर क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके से आपको क्लिक करते जाना है और आपको यहां पर
ओके गॉट इट थैंक्स पे क्लिक करना नीचे, और जैसे आप क्लिक करोगे अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो है आई बैंकिंग जो एप्लीकेशन है आई मोबाइल बैंकिंग ये लॉगिन हो चुका है। अब दोस्तों यहां पर आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती है, जैसे कि आपको पैसे कैसे ट्रांसफर करने हैं या फिर आपको स्टेटमेंट कैसे देखनी है और भी बहुत सारे रिचार्ज कैसे करने हैं, तो मैं आपको सारी यहां पर सेटिंग्स बताऊंगा इसकी। यहां पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहां पर जो है सबसे ऊपर आपको थ्री लाइंस नजर आती है, लेफ्ट साइड में आपको क्लिक करना है और यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखता है। बेसिकली आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आता है। या आप यहां से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं और यहां से आप ट्रैक कर सकते हैं एप्लीकेशन को, यहां से पे लेटर का यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं और यहां पर जो जो सर्विसेज आपको चाहिए आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक की अलग अलग सर्विसेज है जिनको आप ले सकते हैं और आप उसके लिए डायरेक्टली यहां से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम इसको बैक कर लेते हैं और जैसे हम बैक करते हैं दोबारा हम जो है डॉट थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके सामने पासबुक आता है सेकंड ऑप्शंस, तो आप हमें पासबुक पे क्लिक करना है और जैसे दोस्तों आप पासबुक पे क्लिक करोगे यहां पर आपका अकाउंट का बैलेंस आपको नजर आएगा और जो जो आपने पैसे यहां पर आपको मिलते हैं या फिर आप भेजते हो डेबिट होते हैं क्रेडिट होते हैं आपको सारे की सारी डिटेल्स मिल जाती है। अब दोस्तों मान के चलो आपको किसी स्पेशली किसी डेट वाइज आपको चाहिए, मान के चलो कि मुझे पिछले महीने की स्टेटमेंट निकालनी है, तो बस आपको सर्च पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहां पर सिंपली फ्रॉम डेट सेलेक्ट करनी है। जैसे मान के चलो मुझे पिछले महीने की जो है स्टेटमेंट निकालनी है यानी कि अप्रैल मंथ की, चलिए मैंने अप्रैल सेलेक्ट किया और अब मैं यहां पर एक तारीख को सेलेक्ट कर लेता हूं, सेट कर देता हूं। इसके बाद दोस्तों यहां पर एंड डेट में आपको जब से और जब तक की आपको देखनी है, चलिए हम यहां पे 30 कर लेते हैं और 30 तारीख तक हम देख लेते हैं कि हमारे क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है, अब हम इसको सेट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हमने एक महीने की स्टेटमेंट निकालनी है, जितनी भी स्टेटमेंट आपको निकालनी है डेट वाइज आप यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करते हो आपके सामने सारे की सारी जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन करी होती है आपके सामने सारे की सारी नजर आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम और चीजों के बारे में समझ लेते हैं, हम इसको बैक कर लेते हैं यहां से, उसके बाद हम दोबारा से यहां पर थ्री लाइंस पे क्लिक करते हैं और यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आता है कॉन्टेक्ट अस। तो यहां पर जैसे हम क्लिक करते हैं यहां पर आपके सामने कॉन्टेक्ट अस का मतलब होता है यहां पर आप अलाउ करेंगे तो यहां पर आप जो है बैंक से यहां पर डायरेक्टली चैट कर सकते हैं और अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन और बाकी आपको जो भी हेल्प चाहिए होती है यहां पर चैट के थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए हम इसको भी बैक कर लेते हैं, अब हम यहां पर और चीज के बारे में जान लेते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको कैलकुलेटर मिल जाता है, इनबॉक्स मिल जाता है, बहुत सारी चीजें और मिल जाती है। फिलहाल यहां पर ये बाकी चीजें इतना जरूरी नहीं है, अब हम समझ लेते हैं कि यहां पर जो है पैसे कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। दोस्तों अब जब आप होम स्क्रीन पे आएंगे तो यहां पर आपको फंड ट्रांसफर का एक ऑप्शन नजर आता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये वाला फंड ट्रांसफर का ऑप्शन है और इससे हमें पैसे ट्रांसफर करने होते हैं। चलिए हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहां पर आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाता है, आप इसको स्किप कर लेंगे। उसके बाद आप यहां पर किसी भी एक बंदे को ऐड कर सकते हैं जिसको भी आप पैसा भेजना चाहते हो, आपको सिंपली यहां पर ऐड मैनेज पे पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं ओके करेंगे और ओके करेंगे तो उसके बाद आप देख पाएंगे अगर आप किसी अदर आईसीआईसीआई बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है किसी अपने फ्रेंड को अपनी फैमिली मेंबर को तो आप आईसीआईसीआई बैंक को सेलेक्ट रहने देंगे, उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डालना है और आपको वही अकाउंट नंबर दोबारा फिल करना है और डिटेल्स आपको फिल करनी है। अगर आप किसी एसबीआई या फिर आपको आईसीआईसीआई बैंक को छोड़कर किसी अदर बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको अदर बैंक सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको यहां पर अकाउंट नंबर डालना होगा जिनको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो और वही अकाउंट नंबर आपको दोबारा से यहां पर फिल करना है। उसके बाद आपको उनका नाम यहां पर फिल करना है, उनका नाम क्या है, उसके बाद आईएफएससी कोड आप उनका यहां पर फिल कर लेंगे और जिसको भी आप पैसा भेजना चाहते हो ये डिटेल्स आप उनसे ले सकते हैं सारी की सारी और जितना भी पैसा आप उनको भेजना चाहते हो यहां पर आप जो है अमाउंट फिल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर रिमार्क में कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपका मन करे चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं। चलिए हम इसकी डिटेल को फिल कर लेते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सारे की सारे डिटेल्स फिल कर ली है, उसके बाद हमें सिंपली यहां पर जो है प्रोसीड पर क्लिक करना होता है और जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हो उसके बाद एक बारी आपका एटीएम का डिटेल्स मांगा जाता है, जो अभी हमने आपको बताया था कि आपका जो एटीएम कार्ड है उसके पीछे डिटेल्स लिखी होती है, सी में कौन सा नंबर है, एच में कौन सा नंबर है, एल में कौन सा नंबर है, वो आपको इस तरीके से फिल करना है, उसके बाद आपको सबमिट करना है। चलिए हम इसको फिल कर लेते हैं। अब दोस्तों हमने अपने एटीएम की डिटेल्स यहां पे फिल कर ली है नंबर वाली और अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। जैसे आप यहां पर सबमिट करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहां पर देख सकते हैं कि
सक्सेसफुली हमारा पैसा ट्रांसफर हो चुका है। और इस तरीके से आप जो है आई मोबाइल बैंकिंग से जो है पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आप होम पे आते हैं, हमें होम पे क्लिक करना है और अब हम आ जाएंगे होम पे। अगर आपको बिल पेमेंट करना है तो आपको सिंपली यहाँ पर बिल पेमेंट पर क्लिक करना है। और जैसे गाइज आप यहाँ पर बिल पेमेंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक पेज खुल कर आ जाएगा। आप यहाँ पर बिल क्या पेमेंट करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना चाहते हो, पोस्ट पेड या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस कनेक्शन का बिल, डीटीएच का बिल, फास्टैग और भी बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शंस नजर आते हैं। आप यहाँ से इजीली जो है पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम इसको बैक कर लेते हैं और यहाँ पर कुछ और चीज़ के बारे में जान लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप रिचार्ज करना चाहते हो तो इजीली आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हो। आपको उसके ऊपर रिचार्ज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो उसके बाद आपके सामने अलाउ के लिए आता है, आप इसको परमिशन दे देंगे। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर जो है एंटर करना होता है। चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है, ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पर देख लिया कि एयरटेल का नंबर है। अगर आपका किसी और नंबर है तो आप यहाँ पे चेंज ऑपरेटर कर देंगे और यहाँ से आप जो है इसको इजीली चेंज कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ से इसको जियो कर लेते हैं, हमारा जियो का सिम कार्ड है तो चलिए हम रिलायंस जियो कर लेते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम इसको उत्तराखंड सेलेक्ट कर लेते हैं, उत्तरांचल, और नेक्स्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अब आपको अमाउंट डालनी है, उसके बाद दोस्तों आपको प्रोसीड टू रिचार्ज पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आप देख पाएंगे आपके सामने कंफर्मेशन के लिए दोबारा से पूछा जाता है कि आप ध्यान से चेक कर लीजिए आप इसी पे रिचार्ज करना चाह रहे हो। आप इसको कंफर्म कर देंगे और आपका इजीली यहां पर रिचार्ज हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा रिचार्ज हो चुका है और इस तरीके से आप जो है इजीली रिचार्ज भी कर सकते हो। अब दोस्तों चलिए हम कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं और हम इसको होम कर लेते हैं। और यहां पर जो है माई अकाउंट, जैसे आप माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं माई अकाउंट। और जैसे आप क्लिक करेंगे माई अकाउंट के ऊपर, उसके बाद आपके सामने जितने भी आपके अकाउंट हैं आपके डिटेल्स आ जाएंगे। हमारे फिलहाल यहां पे आईसीआईसी बैंक में दो अकाउंट है तो हमें दो अकाउंट की डिटेल्स मिल चुकी है। अब हमें जिस भी अकाउंट की डिटेल जाननी है आपको क्लिक करना है उसके ऊपर सिंपली। जैसे मान के चलो मुझे अभी फिलहाल इस अकाउंट की डिटेल निकालनी है, दूसरे वाले की, इस वाले की, तो हमें सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम टच करेंगे अकाउंट नंबर के ऊपर, उसके बाद आप देख पाएंगे आपको इस तरीके से आपका अकाउंट नंबर दिख जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको आईएफएससी कोड, अपना बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल निकालना हो तो आपको यहां पर मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर आपको माय अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहां पर माय अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करते हो यहां पर आपका अकाउंट नंबर आ जाता है और आपकी ब्रांच आ जाती है, आपका आईएफएससी कोड आ जाता है। अगर दोस्तों आप किसी को अपना अकाउंट नंबर या फिर आईएफएससी कोड भेजना चाहते हो ताकि कोई किसी से आप पैसा मंगवाना चाह रहे हो तो बस आपको टिक मार्क करना है, जो जो डिटेल्स आपको भेजनी है बस आपको इस तरीके से करना है। अब दोस्तों आपको शेयर डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहां पर आपको व्हाट्सएप से अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन नजर आते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप से किसी को भी अपना अकाउंट नंबर शेयर कर सकते हैं ताकि जो भी आपको पैसा भेज रहा है उसके पास आपकी अकाउंट की डिटेल चली जाए। तो चलिए हम यहां पर भेज देते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। और इस तरीके से आप किसी को भी अपनी अकाउंट की डिटेल्स इजिली शेयर कर सकते हो। अब दोस्तों हम कुछ चीज और आपको बता देते हैं, यहां पर आपको कुछ चीज और दिखाई दे दी। यहां पर आप देख सकते हैं कार्ड्स एंड फॉरेक्स में आप जाओगे तो यहां पर आपके काम का है नहीं इतना, लेकिन आप देख सकते हैं यहां पे अगर आपने अपना क्रेडिट कार्ड लिंक करवा रखा है तो यहां पर आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड आपको लिंक करना सीखना है तो उस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आपको ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर जो है लोन का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहां से आप इजीली लोन अप्लाई कर सकते हो। लोन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे, बस आपको यहां पर अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है और उसके बाद आपका जो है लोन अप्लाई आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको जो है इन्वेस्टमेंट के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है और यहां से आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं अलग अलग चीजों में। तो यहां पर हम इसको बैक कर लेते हैं, फिलहाल हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो यहां पर जो है हम होम पेज पे आते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि बहुत जरूरी है, यह है भीम यूपीआई। दोस्तों यहां पर भीम यूपीआई जो है हम आपको पैसा भेजना सिखा देते हैं। यहां पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करते हैं यहां पर आपको सेंड करना है जिसको भी आप पैसा भेजना चाहते हो। अगर आप रिसीव करना चाहते हो तो आप यहां पर कलेक्ट पे क्लिक करेंगे, हम यहां पे सेंड करेंगे। जैसे हम सेंड करते हैं यहां पे आपके सामने आपका भीम यूपीआई आईडी आ जाएगा जो आपका आई बैंकिंग का है। उसके अलावा दोस्तों आपको जिसको भी पैसा भेजना है आप उनका भीम यूपीआई आईडी पर भेज सकते हैं। आपको सिंपली यहां पर उनका भीम यूपीआई आईडी यहां पर फिल करना है। चलिए हम यहां पर अपना भीम यूपीआई आईडी फिल कर लेते हैं। दोस्तों भीम यूपीआई आईडी फिल करने के बाद आपको यहां पर सिंपली वेरीफाई करना होता है। आपको सिंपली यहां पर जो है वेरीफाई पे क्लिक करना होगा और जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करते हो उसके बाद आपका यहां पर वेरीफाई हो जाता है और जिनको भी पैसा आप भेजना चाहते हो उनका नाम नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैं अभी
हरबीर सिंह कलोरा को पैसा भेज रहा हूँ तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ आएगा और आपको जितना भी पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है वो आप यहाँ पर अमाउंट फिल कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर 500 फिल कर लेते हैं। और किसको आप भेज रहे हो, किस लिए भेज रहे हो, आप यहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो है यहाँ पर जो है लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे आपके लिए दोबारा से पूछा जाता है कि आप इसको क्या सही में भेजना चाह रहे हो। आप उसको सबमिट कर लेंगे और जैसे दोस्तों आप सबमिट करते हो आप यहाँ पर देख पाएंगे आपका पेमेंट सक्सेसफुली आप भीम UPI के थ्रू पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप भीम UPI के थ्रू जो है यहाँ से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो इस तरीके से इजिली। यहाँ पर जो है इस तरह की आई बैंकिंग एप्लीकेशन को जो है इजिली यूज कर पाएंगे। आई होप गाइज आप ICICI बैंक की आई बैंकिंग एप्लीकेशन का यूज करना सीख गए होंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और कमाल की वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।